इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों पर डालते हैं नजर। भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई, जिसमें संकल्प लिया गया है कि उपाध्याय जी द्वारा बताए गए निर्देशों पर चलकर पार्टी काम करेगी, पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा। इस दौरान मीडिया प्रभारी बिंदु सेफी, दिनेश कुशवाहा, अध्यक्ष पंकज टेक चंद्र सेनी, सीपी सिंह, दिनेश शिवा आदि दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। पंडित जी के बारे में आपको सबको पता ही है कि एक मानव दर्शन व अंत्योदय के प्रणेता पंडित जी रहे। एक विचारधारा के लिए, अपने विचारधारा के लिए इतने ज्यादा दृढ़ निश्चयी थे कि एक बार पंडित जी ने जीवन में एक ही चुनाव लड़ा, वो जौनपुर में लड़ा। राजदेव सिंह, जब 1962 में चुनाव हुआ लोकसभा का जनरल इलेक्शन, तो उसमें ब्रह्मजीत सिंह जी भारतीय जनसंघ के चुनाव जीते थे और उनका मगर एक साल बाद ही उनका देहांत अकस्मात हो गया, तो वो सीट खाली हो गई। जब वो सीट खाली हो गई तो पंडित जी को वहाँ चुनाव लड़ाया गया, तो समझा जा रहा था कि पंडित जी का कद बहुत बड़ा था, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री थे उस समय, बहुत बड़ा कद था। तो पंडित जी को समझा रहा था कि चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। ब्राह्मण बाहुल्य सीट भी हुआ करती थी, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा एक जमघट वहां रहता था, लेकिन पंडित जी वो चुनाव हार गए। उस पर विश्लेषण होता रहा कि भाई इतने बड़े, इतना हम जीत हमारी सुनिश्चित थी और इतना बड़ा कद था, उसके बाद भी चुनाव हार गए, तो एक नकारात्मक संदेश गया। पंडित जी को खूब समझाया गया कि भाई ब्राह्मणों को अपनी तरफ लामबंद करने की आवश्यकता है, पंडित जी आप चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि राजदेव सिंह जी के साथ ठाकुर लॉबी पूरी वहां लग गई थी, वो उनको मदद कर रही थी और वहां वो जातीय ध्रुवीकरण करना चाहते थे। पंडित जी को बार बार समझाया जाता और वो भाषण जब देते तो भाषण में वो कहते कि मुझे जाति के नाम पर वोट नहीं चाहिए, मैं जातिगत वोट नहीं चाहता, मैं तभी आप मुझे वोट दीजिए यदि आप समझते हो कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा काम कर सकता हूं, अच्छा देश के विषय में चिंतन कर सकता हूं, मनन कर सकता हूं, देश के उत्थान में योगदान कर सकता हूं, तभी आप मुझे वोट दीजिए। फिर वो सब लोग माथा पकड़ते, अध्यक्ष माथा पकड़ते कि भाई आपने, आपको इतना समझाया था, आपने फिर वही कह दिया। फिर उन्हें समझाया जाता कि इस बार आप ये ना पर ब्राह्मणों के लिए दो चार शायद लाइन बोल दो, पंडित जी चुनाव जीत गए। फिर पंडित जी को समझा बुझा के पंप करके भेजा जाता, पंडित जी ऊपर चढ़ते फिर बोलते मुझे जाति के नाम पर वोट नहीं चाहिए, अगर आपको जाति के नाम पर वोट देना है तो मुझे मत वोट दीजिए, जितना ब्राह्मण के नाम पर मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरे सभी ब्राह्मण भाई और जितने भी सभी लोग, सभी देश के लोग अगर वोट मेरे को देना चाहते हैं राष्ट्र के उत्थान के लिए, तो मुझे वोट दे, वरना ना।